हेलो गाइस, वेलकम टू बी वोट। बी वोट के इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप अपना नाम और शहर का नाम हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री कंटेंट, डाउट रूम और जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा बी बोर्ड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, आरबीआई ने पीआरवी के विचार का विरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान उद्योग के लिए एक अलग और स्वतंत्र नियमों के स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। भुगतान और निपटान प्रणाली पीएसएस अधिनियम 2007 में संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक अंतर मंत्रालयी समिति की स्थापना की गई है। समिति ने एक स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की स्थापना प्रस्ताव दिया है। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। जीएसआई चट्टानों खनिजों की प्रदर्शनी आयोजित करेगा। जीएसआई का फुल फॉर्म है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। 22 अक्टूबर 2018 से चट्टानों खनिजों और जीवाश्मों की दो दिवसीय प्रदर्शनी भू संपदा 2018 आयोजित करेगा। सर्वेक्षण में खनिज अन्वेषण, रिमोट सेंसिंग, भूकंप भू विज्ञान में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम भू वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने के लिए छात्रों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। मोदी विक्रम सिंघे ने दिल्ली में वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2018 को श्रीलंका के अपने समकक्ष रानिल विक्रम सिंघे के साथ वार्ता की है। उन्होंने द्वीप राष्ट्र में भारत सहायता विकास परियोजनाओं की प्रगति सहित द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विक्रम सिंघे भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। पंजाब में महिलाओं के लिए 50% पंजाब मंत्रिमंडल ने पंचायत सरपंच के कार्यालय के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष कार्यालय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 2017 में इन निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। कैबिनेट ने अब पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। राष्ट्रपति कोविंद शांति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 22 अक्टूबर 2018 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में 3 दिवसीय विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का आयोजन भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण समिति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कोविंद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय को पहला अंतरराष्ट्रीय भगवान ऋषभदेव अवार्ड भी प्रदान करेंगे। सज्जन जिंदल कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जेएसडब्ल्यू स्टील के सीएमडी सज्जन जिंदल को अपने कोषाध्यक्ष के रूप में चुना है। एसोसिएशन ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और आरसेलर मित्तल के मुख्य एलएन मित्तल को भी अपने सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। नए अधिकारी 1 वर्ष की अवधि में के लिए चुने जाते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन लौह और इस्पात उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार निकाय है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। 22 अक्टूबर से मुंबई में WTC की बैठक होगी। विश्व डायमंड काउंसिल WTC 22 और 23 अक्टूबर 2018 को मुंबई में अपनी 14वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगी। बैठक द जेम्स और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। किम्बरली प्रक्रिया और WDC प्रणाली की वारंटी के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किम्बरली प्रक्रिया 2000 में कॉन्फ्लिक्टेड हीरे को मुख्य धारा अपरिष्कृत हीरे के बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए स्थापित किया गया था। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। IFC ने 1 बिलियन के मसाला बॉन्ड कार्यक्रम लॉन्च किया है। मसाला बॉन्ड विदेश में जारी किए गए रुपया नामित ऋण है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत में अपनी निवेश गतिविधियों को वित्त पोषित करने हेतु 1 बिलियन का मसाला बॉन्ड कार्यक्रम शुरू किया है। IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। चीन में 2019 अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन होगा। 2019 अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब इसमें बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस और पुरुषों की जिम्नास्टिक को शामिल किया जाएगा। 1995 से हर 4 साल में अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल एक बहु खेलों का आयोजन है। भारत ने 2007 में खेलों की मेजबानी की थी। मीनल पटेल को व्हाइट हाउस में किया गया सम्मानित। भारतीय मूल की मीनल पटेल डेविस को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मानव तस्करी से लड़ने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह मानव तस्करी पर ह्यूस्टन के मेयर की विशेष सलाहकार हैं। वह संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन की पूर्व वक्ता भी हैं। आइए अगली न्यूज में चलते हैं। भारत, जापान और US के बीच संयुक्त वायु अभ्यास होगा। भारत, जापान और अमेरिका द्विपक्षीय कोप इंडिया वायु अभ्यास के त्रिपक्षीय प्रारूप में बढ़ाने के लिए तैयार है। विस्तारित मालाबार नौसेना अभ्यास के तहत 3 देश पहले से ही नौसेना अभ्यास का आयोजन करते हैं।
अमेरिका ने भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय वायु अभ्यास का प्रस्ताव दिया था। कोप इंडिया का आयोजन पहली बार 2004 में किया गया था। 24 अक्टूबर को होगा दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग मकाओ जुहाई ब्रिज 24 अक्टूबर 2018 को खोल दिया जाएगा। 55 किलोमीटर लंबा यह पुल दक्षिण चीन में बहने वाली पर्ल नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह पुल दक्षिण चीन सागर में हांगकांग, मकाऊ और जुहाई शहरों को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण दिसंबर 2009 में शुरू हुआ था। चीन और आसियान संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित करेंगे। चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र 22 अक्टूबर 2018 से अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित करेंगे। चीन और आसियान देशों की नौसेना दक्षिण चीन सागर में एशियान चीन समुद्री अभ्यास आयोजित करेगी। चीन की नौसेना के साथ अभ्यास में समुद्री सुरक्षा, चिकित्सा, निकासी और खोज एवं बचाव प्रक्रियाओं जैसे संचालन शामिल होंगे। भूटान में नई सरकार बनाने के लिए ड्रुक न्याम प्रब पार्टी भूटान में नई सरकार का गठन करेगी। 47 सदस्यीय नेशनल असेंबली में पार्टी ने 30 सीटें जीती है। डीएनटी के अध्यक्ष डॉक्टर लोटे शेरिंग ने दक्षिण सिम्फू निर्वाचन क्षेत्र में से जीत हासिल की और वह नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। भूटान के एक दशक पुराने संसदीय लोकतंत्र में यह पहली बार है कि सरकार बनाने के लिए किसी नई पार्टी का चयन किया गया है। पीयूष गोयल को मिला कर्नाट सम्मान। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में क्लैन मैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चौथे वार्षिक कर्नाट पुरस्कार से सम्मानित किया है। कर्नाट पुरस्कार क्लैन मैन सेंटर की छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाने वाली वार्षिक मान्यता है। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक निकोलस सार्डी कर्नाट के नाम पर इस पुरस्कार का नाम कर्नाट रखा गया है। तो गाइज ये था आज का हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।